एप्पल पूरी दुनिया भर में मशहूर है अपने नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के कारण। इसके कारण ये कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी भी है। और इस कंपनी से जुड़ी आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे चैनल। नंबर वन, एक फन फैक्ट से शुरुआत करता हूँ। फन फैक्ट ये है कि एप्पल जो है कंपनी, ये 1976 में 1 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी स्टीव जॉब्स और उनके को फाउंडर्स के द्वारा। आप सोच के देखो कि अगर स्टीव जॉब्स ने लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए कंपनी को स्टार्ट की होती तो आज हमको एप्पल नहीं देखने को मिलता। नंबर टू, आप सभी को तो पता ही होगा एप्पल जो है कंपनी स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड वेन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कंपनी स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद ये जो रोनाल्ड वेन है, इन्होंने कंपनी को छोड़ दी थी और उनके पास लगभग 10% इक्विटी थी और उन्होंने उसको बेच दिया था $800 में। और आज लगभग 2022 के शुरुआत में एप्पल लगभग $3 trillion की कंपनी हो चुकी है और ये ऊपर नीचे होता रहता है। पर अगर हम $3 trillion का एक बेस मान ले तो लगभग उनके 10% इक्विटी की प्राइस आज लगभग $300 billion होती है। आप सोच के देखो कि आज रोनाल्ड वेन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते। आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा अमेजिंग फैक्ट है। नंबर थ्री, आप अगर ट्विटर में एप्पल के किसी भी ट्वीट को अगर सर्च कर दो तो फिर आपको कोई भी ट्वीट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल ने आज तक एक भी ट्वीट नहीं करा। और आप देखो कि एप्पल के बिना ट्वीट करे आज भी उनके 7.7 मिलियन फॉलोअर्स है। आप सोच के देखो कि एप्पल की ब्रांड लॉयल्टी कितनी ज्यादा है। नंबर फोर, बिजनेस इंसाइडर के इस रिपोर्ट के हिसाब से आपके लिए हार्वर्ड में एडमिशन लेना ज्यादा आसान है कंपेयरिंग टू आप अगर एप्पल स्टोर में जॉब लेना चाहते हो तो। एप्पल स्टोर में जॉब एक्सेप्टेंस रेट है 2% और हार्वर्ड में एडमिशन एक्सेप्टेंस रेट है 7%। आप सोच के देखो कि दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक, उसमें एडमिशन लेना ज्यादा आसान है कंपेयरिंग टू आप अगर एप्पल स्टोर में जॉब लेना चाहते हो तो। नंबर फाइव, एप्पल ने सितंबर 1981 में अपना पहला हार्ड ड्राइव लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने प्रोफाइल हार्ड ड्राइव रखा था और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सिर्फ 5 MB की थी और इस 5 MB स्टोरेज की कीमत उस समय लगभग $3,500 रखी गई थी। आज के करीब लगभग $10,000 के आसपास होते थे। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव था उस समय सिर्फ 5 MB की कीमत। उसकी तुलना में आज तो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को खरीदना। अरे बेटा, अरे बेटा कैसन बा? और दादू क्या हाल है, होली के बाद तो आप दिखे ही नहीं। अरे ले बेटा पकड़। ये क्या है, ये किसकी शादी का कार्ड है? और ये दादू वेड्स दुल्हन, अरे ये दुल्हन कौन है और आप शादी कर रहे हो? और क्या हो रहा है इस घर में? और आपकी उम्र देखिए यार, यार ये एक धोती तो आपसे संभलती नहीं और आप शादी करने के लिए निकले हो। अबे चुप कर, बहुत बकवास बोल रहे बारे, अभी भी हम जवान बानी। अरे यार ये जवानी, अरे ये जवानी छोरो, पहले ये बताओ ये दुल्हन कौन है? अरे बेटा दुल्हन तो ढूंढने के बाकी बा, अभी भी दुल्हन नहीं और अब शादी का कार्ड बांट रहे हो। और ये यार क्या बचपना शुरू कर रखा है आपने, कुछ बुद्धि वगैरह है? उसको बेच दिया या फिर कुछ भी नहीं है आपके अंदर? आगे एक कार्ड छपवा के शादी करने, दोबारा ये सब मत दिखाना। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, एक लड़की की जिंदगी बच गई। अबे कार्बोरेट बांटे, लगता है थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, अभी भागने में ही भलाई है। अबे रुक, अरे दादू सॉरी यार, अभी भागने में ही भलाई है। नंबर सिक्स, ये फैक्ट सुनने के बाद आपको इंडियन होने पे गर्व होगा। एप्पल में काम करने वाले हर 3 इंजीनियर में से एक इंजीनियर इंडियन होता है। नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पहला जो कलर डिजिटल कैमरा था उसको एप्पल ने ही लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने क्विकटेक 100 रखा था। और इस कैमरा से आप लगभग 640x480 रेजोल्यूशन में पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे और ये कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का था। और एप्पल ने सिर्फ क्विकटेक 100 को ही लॉन्च नहीं किया था, उन्होंने आगे और 2 मॉडल को लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था क्विकटेक 150 और क्विकटेक 200। तो यार बस आज के लिए इतने। अगर ये सारे फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और आगे आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच।